16,108 ये 9 लाख में भी आते सतयुग के पहले जन्म की आज से लेकर के अंत तक जनसंख्या है ही 9,16,108। और वो 9 लाख तो प्रजा है, राज परिवार नहीं है। फिर भी 9 लाख सितारों में उनकी गिनती होती है। वो ऐसे चैतन्य सितारे धरती के हैं जो सारी दुनिया में ज्ञान की रोशनी मारते रहेंगे। चाहे वो नई दुनिया के पहले जन्म में जन्म लेने वाले हो या जन्म देने वाले हो, पहचान में आवेंगे यहाँ संगम युग में। परंतु अपने अपने प्रैक्टिकल शरीर से पार्ट पहले जन्म में बजा देंगे सतयुग में। इसलिए वो पहले जन्म की जो प्रजा है वो प्रजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और डायनेस्टीज के मुकाबले ज्ञानी तू आत्माओं की प्रजा है। इसलिए क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा गाया जाता है। ऐसे नहीं कि 84वें जन्म में यथा राजा तथा प्रजा होता है, नहीं होता है। ये पहले जन्म का गायन है, यथा राजा तथा प्रजा। अभी भी वो लक्षण देखने में आवेंगे जो नारायण बनने वाली आत्मा होगी। कोई पत्थर माल ही क्यों न हो, उससे भी उसके संस्कार मिलेंगे। कोई भी आत्मा को अपने में समा सकेगी। इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। पहली पहली सच्चाई क्या है? ज्ञान की पहली पहली सीढ़ी क्या है? मैं आत्मा और आपस में हम सब भाई भाई।
इस बात में ही सब नंबर वार हो जाते हैं। एक आत्मा सच्ची साबित होती है, कोई के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं, सब अपने हैं। जिंदगी का लक्ष्य ही क्या है? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? वो तो है, लेकिन उसका भी मूल लक्षण है वसुधैव कुटुंबकम्। सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, तो कुटुंब में जो बच्चे भी होते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सबको आत्म की तेज से देखा जाता है। कोई का महत्व कम नहीं है, सब का महत्व है। तो वो 9 लाख जो श्रेष्ठ प्रजा है, उसके साथ साथ जो राज्य करने वाली आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर राज्य परिवार में आने वाली आत्माएं हैं, नंबर वार वो आत्मिक भाव स्थापन कर लेती है अपनी अंतिम स्टेज में। इसलिए वो 16,000 भी 9 लाख के साथ जुड़े हुए हैं, या वो राज परिवार में आने वाली आत्माएं, उन प्रजावर्ग की 9 लाख आत्माओं को आत्मसात कर लेती है। क्योंकि 16,000 को जो माला गाई जाती है, सिमरी जाती है, वो माला के मणके भी एक योग्य हो जाते हैं अंतिम क्षणों में, कि 16,000 को आत्मसात करके बैठते हैं। अभी भेद पैदा होता होगा, ये इस धर्म का है वो उस धर्म का है, ये इस ग्रुप का है वो उस ग्रुप का है, इसमें ये अवगुण है उसमें वो अवगुण है। परंतु अपनी अंतिम स्टेज में सब आत्मा आत्मा भाई भाई का अनुभव करेंगे। भले ऊंच पद और नीच पद बनेगा, जैसे कि परिवार में छोटा भाई होता है बड़े भाई को ऑटोमेटिक रिगार्ड देता है, बड़ा भाई होता है ऑटोमेटिक बाप का और माँ बाप का दोनों का रिगार्ड करता है, कोई प्रकार का परिवार में अलगाव महसूस नहीं करता। ऐसे ही 9 लाख 16,000 से जुड़े हुए हैं, 16,000 ब्रह्मा की 1,000 भुजाओं से जुड़े हुए हैं, और 1,000 भुजाएं 108 से जुड़ी हुई है, और 108 आत्माएं आप से जुड़ी हुई है। जब 108 की माला गाई जाती है उसमें भी 8 है, 1,008 गाए जाते हैं उनमें भी 8 है, 16,000 गाए जाते हैं उनमें भी 8 जुड़े हुए हैं। ये रूहानी मिलिट्री तैयार हो जाती है। आज की मिलिट्री नहीं है, जो अपने से नीचे वाले को
भूत की ठोकर मारती है। ये रूहानी मिलिट्री होती है, इसलिए 9 लाख के साथ 16,000 भी जुड़े हुए हैं। और 16,000 में से किसी किसी के 82-83 जन्म भी होते हैं, ऐसा भी बताया। बहुत है ऐसे, क्योंकि जो त्रेता के अंतिम जन्मों में जाकर खंडित हुई राजाई के हकदार बनते हैं, जैसे कि सीढ़ी के चित्र में 3 जन्मों में खंडित सीढ़ियां दिखाई गई है, वो आत्माएं कम पद लेने वाली होंगी या बराबरी के पद के अधिकारी होंगी, कम पद वाली होंगी, मर्तबा ही उनका कम हो जाता है। आज के जन्म में दास दासी बनती है, अंत के जन्म में कोट पतलून मिल जाता है, ये फर्क पड़ता है। परमधाम से आने में भी फर्क पड़ जाता होगा, पहले आवेंगी बीच में आवेंगी या अंत में आवेंगी, है अंत में आवेंगी। ये नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लेते, और बाबा जो जैन में जो पवित्र रहते हैं उनको प्राप्ति क्या होती है? जो हिंदुओं में पवित्र रहते हैं उनको क्या प्राप्ति होती है? उनकी झूठी पवित्रता है, चाहे जैन हो, चाहे हिंदुओं के सन्यासी हो, चाहे सिखों के सन्यासी हो, उनकी झूठी पवित्रता है या सच्ची पवित्रता है? झूठी पवित्रता है। तो जो प्राप्ति होनी चाहिए उस प्राप्ति के वो जानकार ही नहीं, और यहाँ तो प्राप्ति के जानकार हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों के जानकार हैं। सच्चा ज्ञान पैदा होता है तो भक्ति के आडंबरों से वैराग्य आ जाता है, और वो सच्चा वैराग्य है घरघाट को छोड़ने वाला शारीरिक वैराग्य नहीं है। कुमार कुमारी पवित्र रहते हैं तो उनको अगले जन्म में क्यों नहीं प्राप्ति होती है? जो कुमार कुमारी भक्ति मार्ग में जैनियों में, जैनियों में बहुत से ऐसे मुनि होते हैं जो जन्म से ही बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु वो ब्रह्मचारी जीवन दिखावे का है या ज्ञान मार्ग का है? दिखावे का है। असली पवित्रता कहाँ है? असली हीरा होगा धूल में भी डाल दिया जाए तो भी हीरे का हीरे ही रहेगा। जो बाप को नहीं पूरा पहचान पाते हैं, पूरा नहीं पहचाना है तो कोई दूसरे तीसरे में लटकेंगे या नहीं लटकेंगे? लटक जाएंगे। असली जो रूप है वो बाप का
जो साकार रूप है वो दैवी रूप है या देवता रूप है, जिसमें वो साकार बन करके संसार के साथ बाप टीचर सदगुरु बनता है, वो दैवी रूप है या देवता रूप है? देवता रूप है। जो दैवी रूप है अगर उसको कोई भगवान की स्टेज दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा? उसके साथ सर्व संबंध जोड़ सकेंगे, जोड़ सकेंगे, और जोड़ेंगे तो पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? पतित बनते रहेंगे। मंदिरों में जो शिवलिंग है ऊपर से उतारा जाता है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो तो सम्मुख में होती है, लेकिन शिवलिंग को ऊपर से उतारा जाता है, ऐसा ऊपर से नहीं उतरता है और क्या नीचे से उतरता है? त्रेसर जन्म में जो शिवलिंग यादगार जिसकी बनी हुई है वो ऊपर से नीचे उतरता है या ऊपर जाता है? त्रेसर जन्म में उतरती कला हुई है या चढ़ती कला हुई है? उतरती कला हुई। तो वैसा ही तो दिखाया जाएगा। और पांडव पुत्र को 12 वर्ष का वनवास हुआ, जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उसमें अंतर क्या है? अरे त्रेता में जन्म बढ़ जाते हैं कि घट जाते हैं? बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते तो एक जन उन्होंने एक वर्ष बढ़ा दिया। और अगस्तवाणी को 13 साल हुए 81 में, सन 81 में अगस्तवाणी को 13 साल हुए ना? 81 में 13-14 साल। हाँ ठीक है। अगस्तवाणी बोला है कि 13 साल पुना है तो 13 में 13 होना चाहिए है? 13 होना चाहिए। नहीं 83 बोला है, 83वां वर्ष चल रहा है, प्रसन्न 83 चल रहा है तो 83 सन में 13 होना चाहिए ना? वही डिफरेंस बता रहा है कि जो पूछे ना अपने संजीवनी ने बोला कि अव्यक्त रूप में 13 वर्ष होना है तो 13 में 13 होना चाहिए, ऐसा बोला है। 83 का जो सन चल रहा था उस 83वें सन में जो जगदम्बा का पाठ बजाने वाली आत्मा है वो तन से मन से धन से समय संपर्क और संबंध से एक की बनती है, बाकी कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी एक का नहीं बन पाता, इसलिए बोला है 83 सन चल रहा है तो 83 में 13 होना चाहिए ना? अव्यक्त वाणी जो तुम पढ़ते हो और जो वहाँ छापी जाती है उसमें अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता है? उसका अर्थ भी तो होना चाहिए है। और आतंक नहीं होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए आ तंग कर। आदि में दो ब्रह्म और अंत में दो ब्रह्म है, बीच में एक। आदि में दो ब्रह्म पंचमुखी ब्रह्म बता देना बाबू। नहीं, ब्रह्मा शब्द जो है वो तब कहा जाता है जब ब्रह्मा मुख में प्रवेश करते हैं। ये तो नहीं कहा कि ब्रह्मा मुख में प्रवेश करते हैं तो मुख से बोलना भी जरूरी है,
कहा नहीं बोलना है ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं तो बोलते नहीं है ये कोई बंधित है बोलते भी हैं लेकिन बोलना ज्यादा श्रेष्ठ है या करना ज्यादा श्रेष्ठ है? है कोई करके दिखाते हैं कोई बोलते भी हैं और करके भी दिखाते हैं कोई ऐसे होते हैं बोलते बहुत हैं और करते कुछ भी नहीं तो ब्रह्मा के अनेक रूप हैं बाकी जो ब्रह्मा तो डायरेक्ट विष्णु बनते हैं वो श्रेष्ठ रूप है बोलता भी है और करता भी है और एक ही ब्रह्मा ऐसा है जो बोलने और करने के साथ साथ सोचता भी है माने चार ब्रह्मा ऐसे हैं जो बुद्धि से सोचते नहीं है उतना बाकी एक है जो सोचता भी है और फैसला भी करता है बोलता भी है और प्रैक्टिकल करता भी है और कराता भी है इसलिए करण करावनहार भी कहा जाता है लेकिन वो करावनहार तब कहा जाता है जब बाप समान बन जाए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है पुरुषार्थी जीवन में पहले ही जोड़ा जाता है या अंत में जोड़ा जाएगा अंत में जोड़ा जाता है मुरलिया बोला है कि जिसके भी करने प्रवेश पर उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े तो अभी बाबा का पार्ट ब्रह्मा का कहेंगे या शंकर का कहेंगे अभी रनिंग पार्ट जो बाबा का चल रहा है ब्रह्मा कहेंगे या शंकर कहेंगे क्योंकि मुरलिया बोला कि श्रीनाथ जगन्नाथ जी की चीज है तो फिर ब्रह्मा कहेंगे या शंकर कहेंगे कहने को तो कुछ भी कहते रहो जो कहना है वो साबित भी तो करना चाहिए कितने पर कहना चाहिए जो कहना है वो साबित भी करना है ऐसे नहीं सिर्फ कहना कहना है वो तो भक्ति मार्ग में होता है जो सुना तो कहने लगे यहाँ तो ज्ञान मार्ग है सुन सुनाई बातों पर तो हम विश्वास करते ही नहीं हम जो सुनते हैं हम उसको साबित करके भी बताते हैं जो कहता है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ बाप अंतर्यामी नहीं है और दूसरी तरफ कहता है कि बाप को पूछो तो बता सकता है कि इसी अभी से जो शरीर छूट जाए तो हमारी गति क्या होगी एक बार जो कहता है मैं नहीं हूँ और एक बार जो कहता है मैं बता सकता जो कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ उस आत्मा के लिए बोलता है जिसको पोतामेल की दरकार है पोतामेल की दरकार साकार शरीरधारी को है या निराकार को है साकार शरीरधारी को पोतामेल का कैसे पता चले उसके लिए कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ तुम जो लिख करके बताओगे वो मैं जानूंगा बाकी मुझे जानने की भी दरकार नहीं है और जो निराकार है जो इस धरती पर आता है और हमारे 84 जन्मों का राज बताता है उसमें ऐसी कौन सी चित्त है क्या कारण है कि वो एक ही हमारे 84 जन्मों का चक्र बताता है और 500-700 करोड़ में से एक भी आत्मा ऐसी नहीं है
जो पूरे चक्र का ज्ञान रखने वाली हो और बताने वाली हो। जन्म मरण के चक्र से जो न्यारा है वही अंतर्यामी है, परंतु वो अपने को इस संसार में आकर के प्रत्यक्ष कैसे करे? प्रत्यक्ष करने के लिए साकार तनधारी चाहिए और जिसके द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है वो पतित से पतित तमो प्रधान पत्थर बुद्धि आत्मा बनती है। कोई न कोई ऐसी बात जरूर है जिसमें वो पत्थर बुद्धि बनती है। इसलिए लिंग के चार रूप पूजे जाते रहे। हीरे का भी लिंग बनाते रहे, सोने का भी लिंग बनाते रहे, तत्व प्रधान स्टेज की यादगार। हीरे का लिंग संगम युगी स्वर्णिम युग की यादगार, रजत लिंग त्रेता की यादगार, और ताम्र लिंग द्वापर की यादगार, और लोहे या पत्थर का लिंग कलयुग की यादगार। तो बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति मार्ग में संकल्प को महामुक्ति कहते हैं। हाँ जी, यहाँ जन्म मरण से भी न्यारा दिखाते हैं और उनके माता पिता भी नहीं दिखाते। तो यहाँ पे ज्ञान में समझाया कि निश्चय अनिश्चय के चक्कर से परे है तो जन्म मरण से न्यारा है। तो फिर माता पिता कौन से आधार पर नहीं दिखाते माता पिता के लिए? इसीलिए साकार में उसको अपने स्वरूप की जानकारी देने वाला कोई भी नहीं है, वो सबको जानकारी देने वाला है। साकार में जो शंकर का रूप है उस स्वरूप के द्वारा सबको अपनी अपने आत्मा की जानकारी मिलती है, 84 जन्मों की भी जानकारी मिलती है, सत्य के आदि मध्य अंत की जानकारी मिलती है, परंतु उसको साकार में जानकारी देने वाला कोई भी गुरु, कोई भी बाप नहीं है, कोई भी उसको पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल में टीचर नहीं है। इसलिए वो बापों का बाप है, सुप्रीम टीचर है और सदगुरु है। प्रजापिता है तो हर बात में फर्स्ट नंबर है प्रजापिता का, ब्राह्मण में हर बात में फर्स्ट नंबर है। तो द्वापर युग आता है तो प्रजापिता पहला मंदिर क्यों नहीं बनाता है? मंदिर बनाना बड़ी बात है या मंदिर बनाने के लिए रास्ता बताना बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? तो रास्ता बताने वाला है। अगर रास्ता ही बताने वाला नहीं होगा तो कलयुग में जो राजाएं होते हैं वो तो बुद्धू होते हैं, उनको तो अपनी अकल ही नहीं होती। वो ब्राह्मणों को रखते हैं गुरु के रूप में, राजगुरु बनाते हैं, जो पवित्र रहते हैं उनको राजगुरु बनाया जाता है। बना बनाया ड्रामा बाबा कहते हैं मुरली में, तो जैसे बाहर के फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं वो तो प्रॉपर अपने शूटिंग करता है क्या करवाता है? सुप्रीम सोल जो है वो तो सदैव पर्दे के
पीछे रहता है, पर्दे के बाहर नहीं। अगर कोई साकार तन में भी आता है तो भी पर्दे के अंदर है। तो पर्दे को वो ही हटा के देख पाते हैं जिनको तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा जगदम्बा को सिख धर्म के विशेष आत्मा ये बताया और जगदम्बा चंद्रवंशी की बीज रूप भी है, तो दोनों कैसे बाबा? जगत की जो अम्बा है वो आधार है, रुद्रमाला में बड़े से बड़ा या बीज है क्या है? है बीज होते हुए भी वो रुद्रमाला का बड़े से बड़ा आधार है, माता है। माइनस है या प्लस है क्या है? है माइनस है। इसलिए जो सूर्यवंश है उसका बीज नहीं है, चंद्रवंश का बीज है। और चंद्रवंश का आधार मूर्त जो है वो भारत माता है, और जगत माता बीज भी है चंद्रवंश का। लेकिन सब धर्मों का आधार कौन है? जैसे बच्चे होते हैं, एक माँ को 8 तक बच्चे भी हैं, तो माँ की गोद का आधार लेते हैं कि नहीं? पेट में आधार लेकर पलते हैं या नहीं पलते हैं? ऐसे ही जो प्राप्ति करने वाले धर्म हैं, उन सब प्राप्ति करने वाले धर्मों में जो लास्ट धर्म है वो कौन सा है? सिख धर्म। और वहां भी वो आधार बनती है। इसलिए सिख ही एक ऐसा धर्म है जो हिंदुओं का आज से अंत तक सहयोगी है, क्योंकि उसकी आधारभूत जो आत्मा है वो संगमी हुई दुनिया में विश्व पिता का आधार बनती है। और यज्ञ के आदि से ही सब धर्मों की पालना करने वाली माता ब्रह्मा बनती है। इसलिए ऑलराउंडर माता का पार्ट है। सिख धर्म में भी माने माता की मान्यता है, देवी के पुजारी है, जैसे हिंदुओं में देवी के पुजारी होते हैं। और सिख धर्म में खास अकाल तख्त की यादगार है। क्या? जो बाबा ने बोला है, नैया हिलेगी झूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ऐसा वो अकाल तख्त है जिसको कोई काल खा नहीं सकता। और मुरलिया बोला है कि इसका पिता के जाने का
जो जैसे यूरोपियन भारत में आए तो बहुत सारे लूटफाट की, तो वो वर्ल्ड बैंक के जरिए भारत को लोन भी देकर के हिसाब पटा रहे हैं, लेकिन जो इस्लामी है वो तो उन्होंने तो इससे ज्यादा लूट की, वो तो इस्लामी ने थोड़े ही लूट की, मुसलमानों ने लूट की, वो भी किया मतलब वो तो कुछ अपना हिसाब किताब कैसे क्लियर करे, उन्होंने लूट करके ले नहीं गए, इसलिए वो लूट करके ले गए या यहाँ के यहाँ ही आकर के बस गए। आज भी मुसलमान भारत के अभिन्न अंग बने हुए हैं, जहाँ जहाँ जिन शहरों में जिन कस्बों में जिन गांव में हिंदू घुसे हुए हैं वहाँ मुसलमान भी घुसे हुए हैं। तो ईसाइयों से उनकी तुलना नहीं कर सकते, वो लूट के ले गए और ये यहाँ के यहाँ ही बस गए। और दुनिया में खुदा का घर है, दुनिया को कहेंगे खुदा का घर, ये प्रश्न ही बेकार हो जाता है। खुद का घर है सभी तो है, खुद का सबका है, बस खुदा का नहीं। खुदा का तो है ही नहीं, वो तो करप जाती हो गया। यहाँ कहेंगे वो भी जिनकी समझ में अच्छी तरह बैठ जाए उनके लिए, नहीं तो यहाँ भी खुदा का घर नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उनके लिए? कहेंगे तेरा तो मेरा, मेरे को हाथ नहीं लगाना। और बाबा जो कहते हैं ना इस्लाम खतरे में है, बाकी कोई धर्म वाला ऐसा नहीं बोलता कि हमारा धर्म खतरे में है, नहीं बोलते क्रिश्चियन लोग, नहीं बोलते तो ये लोग कैसा बोलते हैं भाई इस्लाम खतरे में? बाबा ने मुरली में बोला है पहले पहले कौन मरेंगे, पहले ये इस्लाम ही मरेंगे। तो संगम युग में जब बाप ने ही घोषणा कर दी पहले पहले इस्लाम ही मरेंगे, तो बाप की घोषणा उनके गले उतरेगी या नहीं उतरेगी? है जो भी विधर्मी है, जो भी विदेशी है, उनमें सबसे बड़े और पुराने कौन है? इस्लामी। तो जो पहले आए हैं वो पहले जाएंगे भी। अब ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लामी है उनके गले में पहले पहले विदेशी आत्माओं के बीच में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों के बीच में उनकी बुद्धि में पहले बैठना चाहिए कि हमको जीते जी मरना है। अगर जीते जी नहीं मरेंगे तो फिर दुनिया वालों की तरह शरीर छोड़ करके भी जाना पड़ेगा। इसलिए और धर्म वालों में ऐसे त्यागी नहीं निकलते हैं जो आत्मघाती ग्रुप के हो, कहाँ निकलते हैं? इस्लामियों में ऐसे निकले हैं। क्या जान से मारे जाएं तो भी हम काम अपना करके छोड़ेंगे। ये मिलिट्री में अच्छा काम करते हैं, धर्म के बड़े पक्के होते हैं, धर्म का जुनून जितना इस्लामियों में होता है उतना विदेशियों और विधर्मियों के बीच कोई भी धर्म वालों में नहीं होता है। और Gracias.
दादा के लिए वो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, इसको आत्मिक स्थिति वाली बात तो नहीं कहेंगे। तो जो दादागिरी है, जो ज्ञान में चलने वाले हैं, उन ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों के बीच में दादागिरी दिखाने वाले विधर्मी आत्माएं होंगी या पक्के सूर्यवंशी होंगे? विधर्मी आत्माएं ही दादागिरी दिखाएंगी। कंट्रोल करने वाले स्वभाव की होंगी, नहीं तो जो पक्के बाप के बच्चे हैं वो तो यहाँ सेवादारी बन करके रहेंगे। कोई भी प्रकार की कुर्सी लेने के इच्छुक नहीं रहेंगे। करनहार का पार्ट बजाया या बजाए रहे हैं? बजाया किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा करनहार का पार्ट बजाया। कभी देखा नहीं बच्चों को कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुद ने करके दिखाया। बच्चों के अवगुणों को ध्यान में नहीं रखा, कान से भी नहीं सुना, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखा। बच्चों से ये कभी आशा नहीं की कि बच्चे करके दिखाएं। गुण देखे अवगुण कभी नहीं देखे, वो है ही करणहार का पार्ट। अभी नहीं कहेंगे क्या है करणहार का पार्ट बजाए रहे हैं? नहीं, अभी जो पार्ट बजाए रहे हैं, अगर करणहार का पार्ट बजाए रहे होते तो सबकी समझ में जल्दी आ जाए। श्रावकों बहुतों को निश्चय हो जाए, लेकिन अभी बहुतों को निश्चय बैठ रहा है या सबको निश्चय आ रहा है? नंबर बार सबको अनिश्चय आता है, कोई को कम और कोई को ज्यादा। क्यों? क्योंकि बाप करनहार का पार्ट नहीं बजाए रहे। ये भी नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष रूप में करावनहार का पार्ट बजाए रहे, नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में तो है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्ष रूप में तब कहेंगे जो तीन पार्ट मशहूर हैं, बाप, टीचर और लास्ट में सदगुरु। अभी तो बाप नाज नखरे बच्चों के सुनते भी है और देखते भी है। जब सदगुरु का पाठ बजावेंगे तो नाज नखरे नहीं चलेंगे। करावनहार का पाठ प्रत्यक्ष हो जाएगा। और मुझे मैं था ना ऋषि मुनि को दिया मैंने, पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। हाँ जी, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने ईश्वरवादी ऋषि मुनि को दिया। हाँ जी, ईश्वर को का मतलब क्या?
पहले पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, माने ज्ञान सूर्य को दिया। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो कितने रोशनी लेते हैं? सूर्य से। जो धरती का चैतन्य सूर्य है और जो आसमान का सूर्य है उसमें क्या अंतर है? वो जड़वत है और ये चैतन्य है। इस चैतन्य साकार के द्वारा सबको रोशनी मिलती है ज्ञान की, जैसे जड़ सूर्य के द्वारा सबको स्थूल रोशनी मिलती है। और सूर्य से जैसे सात सितारों को प्रकाश मिलता है, प्रकाशित होती है, ऐसे ही ये चैतन्य ज्ञान सितारे हैं। उन सितारों में भी दो प्रकार के हैं, कोई मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान को अपना बना लेते हैं और कोई मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। जैसे आसमान में दो प्रकार के सितारे हैं, एक चिमचिमाते रहते हैं, वो स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन सूर्य से रोशनी लेकर स्वयं प्रकाशित हुए हैं, और एक वो है जो चिमचिमाते नहीं है, ऐसे ही जड़वत खड़े हुए हैं। यहाँ भी दो प्रकार के सितारे हैं, नौलाख सितारों में कितने ऐसे हैं जो मनन चिंतन मंथन करके अपने 84 जन्मों को जान लेंगे, 4.5 लाख, और बाकी जो जन्म लेने वाले हैं वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, अपना मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं, सिर्फ उनको संग का रंग लगता है फिर प्रकाशित होते। तो सूर्य से सात सितारों को रोशनी मिलती है और उन सितारों में जो अपनी इच्छा को परिपूर्ण बनाए लेता है उसको बताया गया इच्छा को। ब्राह्मण धर्म की या ब्राह्मण जन्म की ऊंचते ऊंच और पहली से पहली इच्छा क्या है, क्या होनी चाहिए है? अरे सर्वोपरि इच्छा क्या है, क्या चाहना है? नर से नारायण बन जाना। तो अगले जन्म में आज में सूर्य है और अगले जन्म में इच्छा को पूर्ति करने वाला नारायण भी है, इसलिए ये कथाएं लिख दिए हैं। और हाँ जी, इच्छा पूर्ति करने वाला पहले अपनी इच्छाएं पूर्ति करेगा या दूसरों की करेगा? पहले अपनी इच्छा पूर्ति होगी तो दूसरों की भी कर सकेगा। और शास्त्र में शंकर जी को समाधि लगाने का मतलब से बताया और दोनों को नहीं बताया है? शास्त्र में ऐसा बताया कि शंकर सहज स्वरूप संभारा और लाज समाधि अखंड अपार, उनको अखंड समाधि लग गए शंकर जी को और गणों को तो समाधि लगी नहीं। गणों को नहीं बताया? हाँ, गणों माना बच्चों को, बच्चों को नहीं लगी, उनको समाधि नहीं लगती है अखंड, और शंकर जी को समाधि लग गया ऐसा बता दिया। ऐसे बता दिया तो क्यों बता दिया?
आपका प्रश्न ये है, इसलिए बता दिया कि केवल गणों में प्रवेश करता है या शंकर में प्रवेश करता है। तो जितना प्रवेश करता है किसी के भ्रकुटी के मध्य में, तो उसे याद करना सहज होगा, निरंतर होगा, या दूसरों को सहज हो जाएगा, निरंतर होगा? अपनी आत्मा को याद करना सहज होता है या कठिन होता है? सहज होता है। तो चाहे आत्मिक स्थिति में रहे या आत्मिक स्थिति के साथ ही सुप्रीम सोल को याद करे, उसको तो सहज ही सहज है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई पास लेती है शिव बाप की, नहीं, पास लेती नहीं है, बनी बनाई बन रही। 63 जन्मों में जो अच्छे जिसने कर्म किए वो उतना ही सुप्रीम सोल के नजदीक है, और जितने घटिया किस्म किए कर्म किए हैं उतना ही ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। बाबा चाहते हैं कि अवसर में कौन कौन आते हैं? 27 मंत्र में कौन कौन आते हैं? ये शास्त्रों में गिने हुए हैं, गिन हो जाके। सारे साथी क्या होता है? सारे साथी कहते हैं शनिचर देवता के दो मुख्य सहयोगी हैं, भैया और सार साथी। जो भैया है वो उतना बुरा नहीं माना जाता, ढाई गुना, वो ढाई गुना बुद्धि खराब करता है, अब वो 7.5 गुनी बुद्धि खराब कर देता है। तो बाबा किसको खराब मानते हैं? सार साथी को खराब मानते हैं। सार साथी क्यों कहा? 6.5, 5.5 या 1.5 गुनी क्यों नहीं कहा? क्योंकि 7 ही विरहमी नारायण है, 8वां जो नारायण है वो तो आधी प्राप्ति करता है, और आधी प्राप्ति न करने वालों की लिस्ट में अधनास्तिक है। उन 7 विधर्मियों की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो शनिचर देवता के उस शिष्य में समाई हुई है, इसलिए सार साथी कहा जाता है। जो साकार वाणी है उसने अंत में बोला था माता पिता पांडव को याद किया, जो वाणी उसने क्यों नहीं बोला था? क्योंकि माता पिता है ही नहीं, वहाँ वहाँ सिर्फ माता है या पिता भी है? प्रवेश करने वाला पिता भी है या सिर्फ माता है? सिर्फ माता है तो माता पिता कैसे बोले, और बाप दादा भी कैसे बोले? जो बाप दादा कहा जाता है वो कंबाइंड पार्ट है या सिर्फ एक पार्ट है? कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब राम वाली आत्मा भी होनी चाहिए और दादा, जो 500-700 करोड़ तत्वों का दादा है वो भी होना चाहिए, तो बाप दादा कहा जाता है। बाप दादा कंबाइंड है, और ऐसे कंबाइंड है जिनको तुम बच्चे अलग अलग करना चाहो और भक्ति मार्ग में अलग अलग करते भी रहे, कृष्ण के पुजारी राम के पुजारियों को धक्का मारते रहे, और राम के पुजारी कृष्ण के पुजारियों से अलगाव करते रहे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम कितना भी अलग अलग करो वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। बाबा जो 16,000 की जो प्योरिटी गिनी जाएगी
तो ज्ञान में आने के बाद गिनी जाएगी या बाल ब्रह्मचारी की गिनी जाएगी? मुरली ने बोला कि थोड़े देर पवित्र का व्रत रखते हैं। जिन्होंने ज्ञान ही नहीं लिया है वो दुनियावी पवित्रता अपना देंगे या ज्ञान वालों की कीचड़ में रहकर कमल फूल पवित्रता को अपनाने वाले होंगे? कीचड़ में जो पवित्रता अपनाएंगे दुनिया वाले कमल फूल पवित्रता का अर्थ जानते हैं? नहीं जानते हैं। और ज्ञान में चलने वाले कमल फूल समान पवित्रता का अर्थ समझते हैं। मना परिवार से अलग नहीं होंगे कि घबराहट में आकर के परिवार से अलग हो जाए, नहीं, परिवार के साथ रहेंगे। जब तक ब्राह्मण परिवार में है तब तक माया तंग करती है, या ब्राह्मण परिवार को छोड़ करके दुनिया में चले जाए तो माया तंग करती है, है? ब्राह्मण परिवार में है तो माया तंग करेगी, बाहर चले गए तो लक्ष्य ही खत्म हो गया। इसलिए बाहर वाले ब्रह्मचारियों की बात नहीं है, वो 16108 की लिस्ट में नहीं आ सकते। 16108 की लिस्ट में तो वो ही आवेंगे। किले के अंदर संगठित होकर के एक के स्नेह और ज्ञान के सूत्र में बंध करके जो कार्य करेंगे, ऐसी उनकी लास्ट स्टेज होनी चाहिए। ज्ञान के सूत्र में भी बंधे हुए हो एक के साथ, माने डायरेक्शन में बंधे हुए हो, और स्नेह के सूत्र में भी एक के साथ बंधे हुए हो, अगर ऐसे सरेंडर बुद्धि नहीं है और प्रैक्टिकल जीवन में सरेंडर नहीं है तो भी 16108 की लिस्ट में नहीं आ सकते। अब एक मुरलिया बोला है कि जिस कुर्सी पर सजा टाइम कोई ठीक नहीं, एक सजा टाइम तीन बाबा ही, और दूसरा पॉइंट भी बताया कि पूरे 5000 वर्ष श्री कृष्ण के अलावा किसी के भी नहीं कहेंगे, है? पूरे 5000 वर्ष श्री कृष्ण के अलावा किसी के भी नहीं कहे, तो बात एक ही हो गई। क्या एक बात हो गई? बिना जगन्नाथ एक ही चीज ऐसा बोला है। तो एक मतलब एक प्रजापिता के लिए ही बोला है ना वो? क्यों प्रजापिता के लिए बोला है? प्रजापिता वाली आत्मा अपने बच्चे के सिवाय संपन्न स्टेज में जा सकेगी? अरे ऐसा कोई बाप होता है जो मकान में आग लगे और बच्चे को छोड़ करके भाग खड़ा हो? वो सच्चा बाप होता है या झूठा बाप होता है? ये तो सच्चा बाप आया हुआ है, सच्चा गुरु आया हुआ है, सदगुरु कहा जाता है। बाप बच्चे के बगैर वापस नहीं जा सकते, और पहले पहले बच्चे को कैसे छोड़ देंगे? पहले बच्चे को तो दुनिया में हिस्ट्री में राजा ही मिलती आई है। ये हिस्ट्री में जो परंपरा चली है, राजाओं ने बड़े बच्चे को राजाई दी है, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा है? ब्राह्मणों की संगति हुई दुनिया में, तो उस बच्चे को छोड़ कैसे देंगे? ये जब प्रत्यक्षता होगी तो बाप बच्चे की प्रत्यक्षता करेगा। फादर सोर सन और सन सोर फादर। इसलिए बोला श्रीनाथ जगन्नाथ है एक ही चीज, क्योंकि एक ही तन के अंदर श्रीनाथ का भी पार्ट बजता है और उसी तन के अंदर जगन्नाथ का भी पार्ट धारी है। बाबा श्री के भीतर में ऊपर में जो 7 आदि रत्न दिखा है, है? आदि रत्न आदि, तो वो तो 4 जैसे बोझ पर है, तो 4 धर्म का ही मालूम पड़ेगा, देवता इतना नहीं बोझ हो पाएगा, लेकिन बाकी के दूसरे 3 कौन है? जो मुख्य धर्म है वो कितने हैं? 4 हैं।
या ज्यादा है तो चार ही दिखाई दे, बाकी तो उसकी शाखाएं हैं। માતાઓ પ્રશ્ન નથી પૂછતા, માતાઓ ને કારણે માતાઓનો પ્રશ્ન પૂછવાનો હે, તો માતાઓ તો પ્રશ્ન પૂછશે નહીં, ભાઈ લોકો આધે જન્મ મેં આપી માતા હે અચ્છા પિતાઓ મેં સબ કહા પૂછ રહે હે तो जब मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट जब एक साथ में खुलेंगे तभी सभी एक साथ मुक्ति धाम में जाएंगे या कोई सूक्ष्म में रहेगी या चुन में कैसे होगा अंत में? नंबर बार इस सृष्टि पर आती है आत्माएं, ये एक साथ आती है नंबर बार, तो जाना भी नंबर बार होगा या एक साथ होगा होगा तो नंबर बार, लेकिन फास्ट गति से होगा, इतनी फास्ट गति होगी कि जो आत्माएं सूक्ष्म बतन में टिकी हुई होंगी वो सूक्ष्म बतन वासियों की संख्या ढेर की ढेर होती है, और जो सूक्ष्म बतन वासी नहीं बनते इस साकारी सृष्टि में साकार शरीर से ही सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं, मन बुद्धि की स्टेज से वो डायरेक्ट परमधाम वासी बनते हैं। तो नंबर वार की लिस्ट उसमें भी है और नंबर वार की लिस्ट इसमें भी है, लेकिन गति फास्ट हो जाती है, इसलिए आखिरी आत्मा परमधाम से नीचे उतरेगी और पहले नंबर की आत्मा उसी समय उसी सेकंड ऊपर चढ़ जाएगी।